आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं? हिमालय, पतंजलि, क्लीन एंड क्लियर, एवर यूथ, गार्नियर या फेयर एंड हैंडसम? क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नहीं पता कि इन सब में कितने टॉक्सिक केमिकल्स डाले गए हैं। पैराबेन से लेकर सल्फेट्स, एल्कोहल्स, कॉस्मेटिक कलर से लेकर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, फेस वॉशेज में ये सब कुछ डाला जाता है। इनमें से कुछ केमिकल्स स्किन को इरिटेट करते हैं, कुछ स्किन पेनिट्रेटर्स हैं, फिर कुछ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स और यहाँ तक कि कार्सिनोजेंस भी। हमारे चेहरे की स्किन बॉडी की स्किन से पतली और सेंसिटिव होती है, इसलिए इसे ज्यादा केयर की भी जरूरत पड़ती है। हालांकि एक टॉक्सिक फेस वॉश को यूज करने से स्किन को फायदा पहुंचने की बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो कौन सा है बेस्ट फेस वॉश भारतीय मार्केट में, आइए पता लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। इस वीडियो के लिए मैंने लगभग 25 फेस वॉशेस खरीदे, कुछ पास की सुपरमार्केट से जबकि कुछ ऑनलाइन। मैं ये बात से हैरान रह गया कि जो फेस वॉशेस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वही सबसे ज्यादा टॉक्सिक भी हैं। हाँ, इतना मैं समझता हूँ कि सभी केमिकल्स खराब नहीं होते, कुछ केमिकल्स बिल्कुल सेफ होते हैं, कुछ केमिकल्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं और इन्हें आपको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। मैंने इन सभी फेस वॉशेस को इनके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से 4 कैटेगरीज में बांट दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1 से, जिसमें आते हैं फेस वॉश बाय लैक्मे, पियर्स, निविया, एवर यूथ, ही, जॉय, फेयर एंड हैंडसम, जिनमें 10 से भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हैं। मेरे हिसाब से ये फेस वॉश वर्स्ट हैं भारतीय मार्केट में। जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो इन सब में डाले गए हैं, फिर चाहे वो पैराबेंस हो, सल्फेट्स, एल्कोहल, आर्टिफिशियल कलर या फ्रेग्रेंस। इस बात का बड़ा दुख होता है कि जिन ब्रांड्स को हमने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया वही हमारी स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एमवे का ये एटीट्यूड फेस वॉश भले ही बी ब्राइट का दावा करता हो, लेकिन इसके हार्श केमिकल्स की लिस्ट देखकर आपके चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप इनमें से कोई भी फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो उसे प्लीज चेंज कर दें। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, जिसमें आते हैं फेस वॉश बाय गार्नियर मेन, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, क्लीन एंड क्लियर और एक्स मेन। ये सभी फेस वॉश कैटेगरी 1 से थोड़े से बेटर हैं, लेकिन फिर भी टॉक्सिक ही हैं। हाँ, इनमें भले ही सल्फेट्स ना हो, लेकिन फिर भी काफी टॉक्सिक केमिकल्स हैं और साथ में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और कॉस्मेटिक कलर्स भी। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की, जो अपने आप में ही अनोखी है। इसमें आते हैं फेस वॉश बाय आयुष, बायोटेक, बजाज, हिमालय, VLCC और पतंजलि। ये वो ब्रांड्स हैं जो कस्टमर्स को अपनी ओवर स्मार्ट टैक्टिक्स के साथ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी फेस वॉश 10-20% इंग्रेडिएंट्स ही बताते हैं और बाकी का फेस वॉश बेस या एक्सीपिएंट्स में छुपा होता है, जिसकी जानकारी एक आम ग्राहक को नहीं मिल पाती। अगर 100% बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट से कोई फेस वॉश बना है तो सिर्फ 10% इंग्रेडिएंट्स ही क्यों मेंशन है। खैर, इतना तो क्लियर है कि इन सभी फेस वॉशेस में भी हार्मफुल केमिकल्स तो डाले ही गए हैं। जी हाँ, जो प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं वो खतरनाक हैं। जैसे बजाज नो मार्क्स फेस वॉश में है पैराबेंस और इन सभी फेस वॉशेस में सिंथेटिक कलर और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस भी डाले गए हैं, इसलिए इन सभी सो कॉल्ड नेचुरल फेस वॉशेस से दूर रहें। सो हम 15 से भी ज्यादा फेस वॉश देख चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फेस वॉश इम्प्रेसिव नहीं है। यहाँ सवाल ये उठता है कि इतने टॉक्सिक केमिकल्स अलाउ क्यों किए जाते हैं? क्या ऐसी कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो इस चीज पे चेक रख सके? दोस्तों, हार्श रियलिटी ये है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, इसीलिए कंपनीज केमिकल से भरे प्रोडक्ट्स बना लेती हैं जिसे कुछ खास स्क्रूटिनाइज नहीं किया जाता। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंपनियां ये टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट्स ही क्यों बनाती हैं, तो इसके 2 सिंपल कारण हैं। पहला है पैसा। जी हाँ, टॉक्सिक केमिकल्स बहुत सस्ते पड़ते हैं और क्योंकि एक आम ग्राहक को इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए ये कंपनियां बच निकलती हैं। और दूसरा कारण ये है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करने में ज्यादा मेहनत भी लगती है। खैर, तो क्या कोई ऐसा फेस वॉश भारतीय मार्केट में है जो 100% सेफ हो, जिसे रोज यूज किया जा सके बिना किसी साइड इफेक्ट के? जी हाँ, कैटेगरी नंबर 4 में आते हैं हर्बल फेस वॉश पाउडर्स, पवित्रा चारकोल फेस वॉश, ईशा लाइफ प्योरली नेचुरल फेस वॉश, सिरोना एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश और रस्टिक कार्ड के फेस वॉश कॉन्सेंट्रेट्स। मेरे हिसाब से फेस वॉश पाउडर स्मार्टेस्ट प्रोडक्ट्स हैं भारतीय मार्केट में। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ब्रांड्स ने बड़ी इंटेलिजेंटली स्किन के लिए सबसे इफेक्टिव हर्ब्स को यूज किया है बिना किसी लिक्विड फिलर के। इस वजह से ना ही सिर्फ ये प्रोडक्ट्स इफेक्टिव हैं, बल्कि आपको बहुत सस्ते भी पड़ जाते हैं। जैसे ये BSD ऑर्गेनिक्स का 100 ग्राम फेस वॉश पाउडर आपको पड़ेगा 175 रुपए का। हरी मूंग दाल, बेसन, ऑरेंज, नीम से बने होने की वजह से ये आपके चेहरे को अच्छे से साफ तो करेगा ही और साथ में स्किन को नरिश भी करेगा। ये सभी आयुर्वेदिक हर्ब स्किन के लिए इतने इफेक्टिव हैं कि बाकी सब ब्रांड सिर्फ इनके नाम पे ही मार्केटिंग कर रहे हैं। यूज करने के लिए बस थोड़ा सा पानी मिक्स करें और चेहरे पे नॉर्मली लगा लें। काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप
आप स्किन इश्यूज से परेशान हैं तो जरूर एक बार पाउडर फेस वॉश ट्राई करें। फिर रस्टिक आर्ट का नीम और बेसिल फेस वॉश वन ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट है भारतीय मार्केट में। स्किन के लिए तो अच्छा है ही, और क्योंकि ये एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है तो इसे बहुत ही कम लगाने की जरूरत पड़ती है। ये बना है 100% सेफ, हाई क्वालिटी, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट से। ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। रस्टिक आर्ट का फेस वॉश कंसंट्रेट आता है 5 वेरिएंट्स में, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर सिरोना का एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश बना है मिंट ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, कोकोनट और बीट रूट एक्सट्रैक्ट जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से। बाकी कमर्शियल फेस वॉशेस के कंपैरिजन में ये फेस वॉश है सेफ और बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के, इसीलिए तो इसकी एक्सपायरी डेट भी सिर्फ 6 महीने की है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस फेस वॉश को ट्राई कर सकते हैं। 125 ग्राम सिरोना एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश आपको पड़ेगा 249 रुपए का। ईशा लाइफ का नेचुरल फेस क्लेंजर में भी कोई हार्श केमिकल नहीं है। लेमन और टर्मरिक ऑयल से भरपूर ये उन सो कॉल्ड हर्बल पिंपल रिमूविंग फेस वॉशेस से बहुत बेटर ऑप्शन है। हालांकि इतना नोट करने लायक है कि ईशा लाइफ के सभी फेस वॉशेस टॉक्सिन फ्री नहीं है, जैसे उनका सैंडलवुड फेस वॉश में आर्टिफिशियल कलर्स और परफ्यूम्स हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट को ब्रांड देखकर ना खरीदें, बल्कि इंग्रेडिएंट्स को चेक करें। ईशा लाइफ का ये टॉक्सिन फ्री फेस वॉश आपको पड़ेगा 450 रुपए का। नेक्स्ट पवित्रा डीटॉक्स एक्टिवेटेड चारकोल एंटी एक्ने फेस वॉश भी अच्छा ऑप्शन है। ये मार्केट में मौजूद बाकी एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉशेस से अलग है, जो एक्टिवेटेड चारकोल के नाम पे खतरनाक केमिकल्स बेच रहे हैं। ऐसे फेस वॉशेस से एक्टिवेटेड चारकोल के फायदे तो दूर, उल्टा नुकसान होता है। यहीं तो पवित्रा फेस वॉश अलग है। चारकोल पाउडर के अलावा बाकी जो भी केमिकल्स डाले गए हैं वो बिल्कुल सेफ है, ना तो SLS, ना पैराबेंस, ना ही कोई सिंथेटिक कलर या फ्रेग्रेंसेस। इसीलिए अगर आप चारकोल फेस वॉश यूज करना चाहते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं। 100 ml आपको पड़ेगा 275 रुपए का। सो दोस्तों, इस कैटेगरी में ये सभी 5 फेस वॉशेस बिल्कुल टॉक्सिन फ्री हैं और इसे आप अपनी पसंद से खरीद सकते हैं। मैंने इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये सभी फेस वॉशेस भारतीय ब्रांड्स द्वारा बनाए गए हैं। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, किसी भी बेस्ट कैटेगरी में मेंशन्ड ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप चाहते हैं कि मैं इस अपडेटेड वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाना। अगर एक और टॉक्सिन फ्री फेस वॉश का ऑप्शन दूं तो मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च्ड विटामिन सी फेस वॉश भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसे बेस्ट कैटेगरी में सिर्फ इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें, ये बना है 100% सेफ केमिकल से, ना सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना EDTAs और ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कॉस्मेटिक कलर्स। टर्मरिक और विटामिन सी से भरपूर मामा अर्थ का ये फेस वॉश है मेन और वेमेन फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और ये काफी बजट फ्रेंडली भी है। 100 ml की प्राइस है 249 रुपए, लेकिन फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए स्पेशल 21% ऑफ है। इसलिए मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे @11 AM एक Q&A सेशन करता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।